हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नाउन के पिछले वीडियो में हमने नाउन के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे और नाउन की परिभाषा बताई थी, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज है, इसके तहत हम अब नाउन के प्रकार आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन के प्रकार। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो चलिए लेते हैं पहला नंबर जो हमने बताया, प्रॉपर नाउन। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल से और इसके बारे में जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या चीज़ होती है और किस तरह से आप पहचानेंगे कि प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल पे आप देखेंगे, प्रॉपर नाउन यह वह नाउन है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु का नाम हो। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या व्यक्ति का नाम हो तो आप उसको जान जाएंगे प्रॉपर नाउन है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हमने दिया है आगरा इज ए बिग सिटी। आगरा एक बड़ा शहर है, तो यहाँ आगरा शहर का नाम दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गई। यमुना इज ए बिग रिवर या यमुना इज ए फेमस रिवर। यमुना एक प्रसिद्ध नदी है, तो यहाँ पे जो हमने अंडरलाइन कर रखा है ये यमुना नाम है नदी का, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गई। किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, वो सब प्रॉपर नाउन में ही आते हैं। चले लेते हैं दूसरा भाग। नंबर 2 है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? यह वह नाउन है जिसमें कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु प्रकट ना हो। कॉमन नाउन में जिसमें कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु प्रकट ना हो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिटी। सिटी माने शहर, रिवर माने नदी, मैन माने आदमी, वुमेन माने औरत और बॉय माने लड़का। जैसे पहले आपने देखा था कि आगरा इज ए बिग सिटी, इसमें प्रॉपर नाउन में आगरा शहर का नाम दिया है और इसमें दिया है सिटी। सिटी माने शहर, शहर कोई भी वो कॉमन। आगरा शहर हो सकता है, कानपुर हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, इलाहाबाद, प्रयागराज हो सकता है या कोई भी शहर। जैसे रिवर यानी नदी, यदि लिखा जाए रिवर तो हो गया कॉमन नाउन, और अगर लिखा जाए यमुना तो हो गया प्रॉपर नाउन। शहर यदि लिखा जाए आगरा तो हो गया प्रॉपर नाउन, अगर लिखा जाए सिटी शहर तो हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह से आगे चलिए देखते हैं तीसरा भाग, तीसरा नंबर। नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। यह वह नाउन है जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समुदाय को प्रकट करे। जैसे कि यह वह नाउन है जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समुदाय को प्रकट करे, समुदाय को प्रकट करे ना कि उनके नाम बताए। जैसे समुदाय, क्लास। क्लास में लड़के और लड़कियां सभी होते हैं, तो ना तो इसमें किसी लड़की का नाम बताया जा रहा ना किसी लड़के का नाम बताया जा रहा है। क्लास एक समूहवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी यानी सेना, टीम। टीम माने टीम के सदस्य, जो ग्रुप होता है, जो दल होता है, टीम में सभी लोग शामिल होते हैं। फैमिली, फैमिली में सामूहिक रूप से सभी लोग शामिल होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा। जैसे क्राउड, क्राउड भीड़, तो भीड़ में मेल फीमेल सभी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या जो भी हैं, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया, इसलिए यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 4, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यह वह नाउन है जो किसी पदार्थ का नाम हो, इससे पदार्थ या धातु का बोध होता है। मटेरियल इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, कोई पदार्थ, जिससे किसी पदार्थ या धातु का बोध हो और जिससे और वस्तुएं बनाई जाएं।
उसको जो हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है, पदार्थ या धातु, जैसे गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर स्टोन, वाटर हनी शहद आदि। तो ये जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, जो धातुएं हैं, तो ये जो है आपके मटेरियल नाउन में आ जाती हैं। अब लेते हैं पांचवा भाग। पांचवे भाग में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह वह नाउन है जिसमें किसी वस्तु या वस्तु के गुण, क्रिया या अवस्था का ज्ञान हो, मतलब जिसमें किसी वस्तु के गुण, क्रिया या अवस्था का ज्ञान हो, तो वहाँ पर हम समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये पांचवा नाउन है, बहुत ही सिंपल इजी वे है आपको पहचानने में, बहुत ही सरल, जिसमें किसी, जिस नाउन में किसी वस्तु या वस्तु के गुण, व्यक्ति के गुण, जैसे वस्तु के गुण लक्षण, क्रिया या अवस्था का ज्ञान हो, वहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑनेस्टी ये गुण है, ईमानदारी, विजडम बुद्धिमानी ये भी गुण है, चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन, या इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये था आज का लेसन आपके लिए ग्रामर का नाउन। इस लेसन में हमने आपको बताया कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और हर नाउन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, नाउन के एग्जाम्पल दिए और उनके सटीक आपको एग्जाम्पल्स दिए, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप नाउन कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे पार्ट के साथ में, इसी सीरीज में जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।